हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि 1 + 3 + 3² + (after sum) + 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। सभी n एलिमेंट n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। कैपिटल N हमारे नेचुरल नंबर को बताता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चरण लेके चलते हैं, फर्स्ट चरण, और प्रूफ करते हैं सेकंड चरण को। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, 1 + 3 + 3² + (.. .. .. + 3 की पावर n - 1 इक्वल 3 की पावर n - 1 / 2। ये हमें दिया गया है। फर्स्ट चरण के लिए बात करते हैं, प्रथम चरण के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो हमें n बराबर क्या रखेंगे, 1। फर्स्ट चरण में n बराबर n, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे, 1। या इसमें फर्स्ट चरण में पहला पद उठाओगे और यहाँ पे n। तो मैं RHS पोर्शन को देखती हूँ पहले। RHS पोर्शन ये 3 की पावर n - 1 / 2, ये आपके पास है। n की जगह हमें क्या रखना है, n इक्वल 1, 3 की पावर 1 - 1 / 2 इक्वल 3 की पावर 1, 3 3 - 1 2, 2/2 इक्वल 1, 1 आया। यानी प्रथम चरण यानी फर्स्ट पद या फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 1। अगर इसी को सेकंड देखें यानी n बराबर 2, अगर मैं यहाँ पे n बराबर 2 रखूँ यानी ये दो पद लेने हमें, तो हम RHS में देखते हैं ये दो पद को अगर ऐड करोगे 3 + 1 कितना हो गया, 4। यानी LHS में क्या है आपके पास, 4। LHS में मैं क्या दे देती हूँ, 4। RHS की बात करते हैं, RHS में 3 n - 1 / 2, 3 n की जगह आपको क्या रखना है, 2, 2 - 1 / 2, 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8, 8 / 2 इक्वल 4। तो आपका 4, LHS और RHS इक्वल है। यानी कि n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर फर्स्ट और सेकंड दोनों पदों का योग आ रहा है, n बराबर 3 रखेंगे तो इन तीनों का योग आएगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n बराबर k मान के चलते हैं। माना कि n बराबर k के लिए बात करते हैं। जब n बराबर k के लिए बात करेंगे तो ये स्टेप में जहां n है हमारे पास वहां केवल k पुट कर देंगे। हमने क्या किया, जहां जहां n था हमारा वहाँ वहाँ हमने केवल के पुट किया, ये रहा। अब इसी को मानते हुए हम सिद्ध करेंगे के प्लस वन के लिए, ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, इसको इक्वल मानते हुए यानी इसको सत्य मानते हुए, इसको सत्य मानते हुए हम 1 + 3 + 3² + (3k) यानी k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। किसके लिए प्रूफ करेंगे, k प्लस 1 के। तो यहाँ जहाँ k था वहाँ k प्लस 1 रखा है और कुछ नहीं किया, 1 2। अब इसका LHS पोर्शन लेके चलते हैं और RHS प्रूफ कर देते हैं। तो LHS पोर्शन लेती हूँ मैं, तो 1 + 3 + 3² + ये LHS पोर्शन लिया। अब देखिए 1 + 3 + 3² इससे अगला आएगा तो 3³ आएगा आफ्टर सोन प्लस 3k, तो इससे पहले वाला आएगा वो एक कम आएगा पावर में, तो ये 3k - 1 तक ये आएगा। इसको हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन स्टार दे दो या इक्वेशन वन दे दो, कैसे भी जो आपको सुविधा हो इस हिसाब से। यहाँ मैंने स्टार दिया, स्टार में देखिए ये आपके पास ये इसके इक्वल है, ये वाला पद
यही तो LHS का, तो RHS लिख सकते हैं उसका, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है, तो ये वाला लिखते हैं। यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम लूँगी तो दो, तो थ्री की पावर के माइनस वन प्लस दो इंटू थ्री की पावर के, ये आएगा थ्री की पावर के, और थ्री की पावर के को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, एक, एक प्लस दो, इन दोनों से माइनस का एक अपॉन दो, यही है आपके पास। अब देखिए थ्री की पावर के ब्रैकेट में दो प्लस एक यानी कि तीन, तीन माइनस एक अपॉन टू, दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री के प्लस वन, इस पर पावर वन ही तो हो गई, तो इन दोनों का आधार सेम होने पर घाते क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, तो थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, ये हमें प्रूफ करना था, कि k प्लस वन के लिए प्रूफ करना था ना, तो k प्लस वन का LHS पोर्शन लेके चले और RHS हमारे पास ये आ गया, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, क्लियर। और यही हमारा कहलाता है गणितीय आगमन सिद्धांत, क्लियर।